वहीं शाजापुर के पोलाय कला में शुक्रवार को मजदूरों से भरा वाहन पलट गया। इससे वाहन में सवार करीब 20 मजदूर घायल हो गए हैं। इसमें से 8 लोगों की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। सभी घायलों को उपचार के लिए पोलाय कला के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ले जाया गया है, लेकिन 30 बिस्तर वाला यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सिर्फ एक ही डॉक्टर के भरोसे चल रहा है। अस्पताल में बेड की व्यवस्था और मरीजों को तत्काल उपचार नहीं मिलने के कारण सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया। कांग्रेस नेता पवन राजकुमार की मदद से सभी घायलों को 40 किलोमीटर दूर शाजापुर जिला अस्पताल पर पहुंचाया गया। बोला कि भैया गाड़ी आराम से ले चलना, तो उन्होंने बोला कि ठीक है। उन्होंने बोला ठीक है मैं ले चलूंगा, तो उसने एक दम से गाड़ी दूसरे गियर में डाली, तीसरे गियर में घाटी चढ़ाई, तीसरे गियर में नहीं समझ में क्या बात, उसने एकदम से फेंक दी गाड़ी। करीबन आधा किलोमीटर इतना गए यहाँ से ब्रेक मान लो, इतनी दूर जाकर उसने गाड़ी गिरा दी। तो घाटी जैसी चढ़ी जैसी हुआ जी, उन्होंने एकदम से ब्रेक बंद टर्न मार दिया। हुआ बोला है हमारे भाई बगिया भाग में, बगिया भाग है ना वो बगिया भाग, हाँ बगिया भाग, उस भाग में हुई घाटी चढ़ाता है। अनुपुरी रोड पे एक लोडिंग वाहन जिसमें सोयाबीन काटने के लिए मजदूर जा रहे थे, बेलन बेलने से रोड से उतर गया, उसमें ये घटना हो गई। घटना के बाद हमने लोडिंग वाहन को वहां से हटाया और घायलों को उपचार के लिए सीएससी को लगाया। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल शाजापुर रेफर करते हैं। गंभीर तो 5-6 हैं, बाकी नॉर्मल है। उनको 15-25 से 30 के बीच में।